नमस्कार, मैं हूं सिद्दीका। आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज 24। आई डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। खबर मथुरा से है, जहां ब्रज में बसंत पंचमी से ही लगातार 40 दिन होली का पर्व जगह जगह धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे पहले बरसाना के रंगीली गुलाल की होली होती है उसके बाद नंद गाँव की नंद बाबा मंदिर पर होली होती है। उसके बाद श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में एकादशी से होली का त्योहार देश विदेश के श्रद्धालुओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज 24। मैं हूँ राजू कश्यप। आज हम मौजूद हैं मथुरा बांके बिहारी मंदिर पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्रज में बसंत पंचमी से लेकर के लगातार 40 दिन होली का पर्व जगह जगह मनाया जाता है, जिसमें लगातार सबसे पहले बरसाना, उसके बाद नंदगांव और आज वही रंग भरी एकादशी के पर्व पर हम मौजूद हैं मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पर। जैसा कि आप मेरे आगे पीछे देख सकते हैं, चारों तरफ से भीड़ श्रद्धालु आए हुए हैं, जो जगह जगह से यहां आए हैं और यहां ब्रज में आकर होली का आनंद ले रहे हैं। ऐसे कुछ श्रद्धालु आज हमारे साथ जुड़े हैं, आइए जानते हैं इनसे क्या कहना है, इनका क्या कहना चाहते हैं श्रद्धा जो होली के बारे में ब्रज क्षेत्र में आकर श्रद्धालु महसूस करते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? कहाँ से आए सर? सर आप चेन्नई से यहाँ ब्रज में होली खेलने के लिए आए हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है? क्या कहना चाहते हैं हमारे श्रद्धालु को इस समय हमारे चैनल के माध्यम से, ये खबर के माध्यम से, यहाँ बांके बिहारी की होली, ब्रज की होली, हर किसी को जीवन में एक बार यहाँ के होली खेल। जैसा कि आपने देखा, यहाँ श्रद्धालु चेन्नई से, जो हमारे भारत का लास्ट लैंड माना जाता है, और आकर के ब्रज में मथुरा में आकर के यहाँ होली का आनंद ले रहे हैं और बेहद खुशी का अनुभव यहाँ कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। आइए कुछ और श्रद्धालुओं से आप मुलाकात करते हैं, जानते हैं उनसे क्या कहना होगा। हमारे साथ एक महाराज जुड़े हैं, कहाँ से आए सर आप? होली के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आज की जो व्यवस्था है शासन के प्रशासन की, बहुत सुंदर सराहनीय व्यवस्था रही है। तो आज के एकादशी है, इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि घर में भाईचारा हमेशा परिवार अच्छी खुशी में, वो एकादशी प्रेम भाईचारे का रास्ता बताती है एकादशी। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टाइम टीवी न्यूज 24।